ऑपरेशन के बाद हम कब नहाएं जिससे कि हम जल्दी ठीक हों और टाँकों में इन्फेक्शन भी ना हो, टाँके जल्दी सूख जाएं। ये दोनों तरीके की ऑपरेशन में एप्लीकेबल होता है, जो नॉर्मल हमारे ऑपरेशन होते हैं उनमें भी और जो हाइड्रोसील की ऑपरेशन होते हैं उनमें भी। तो अगर आपके टाँके 14 दिन में कटने वाले हैं और शुरू के 4 से 5 दिन में आप नहाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप टॉवल को गीला करें और उससे पूरी बॉडी को पोंछ लें, सबसे बेस्ट और अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप नहाना चाहते हैं 7 से 8 दिन के बाद और चाहते हैं कि नहीं टॉवल से नहीं, मुझे पानी से ही नहाना है, तो आपको फिर उन टाँकों पर कुछ ऐसा यूज़ करना है, कुछ ऐसा लगा लेना है जिससे कि वहाँ पर पानी ना जाए। और अगर पानी चला जाता है तो फिर आपको उसकी पट्टी तुरंत करानी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है मुझे नहाना है तो फिर आप टॉवल वाला एक बार ऑप्शन और यूज़ करें, उसके बाद तो आप ठीक ही हो जाएंगे और टाँके कट जाएंगे और जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और टाँकों में भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।